दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर सोलन। शिमला में राज्य स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी के एक दिवसीय मेले के दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि सोसाइटी अपने सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभा रही और भविष्य में भी सबको इसी तरह के काम की अपेक्षा है। राज्यपाल ने इस दौरान रेड क्रॉस और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले में सजे निशानेबाजी के स्टॉल पर जाकर बंदूक उठाई और गुब्बारे पर निशाना साधा। उनके अतिरिक्त रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने भी स्टॉल पर निशानेबाजी में हाथ आजमाया। बता दें कि राजधानी में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आयोजित किए गए इस मेले में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। मानवता की सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता रहा है। मुख्य रूप से दीन हीन गरीब असहाय रोगियों का इलाज करवाना और जो सामाजिक दायित्व हैं उनकी पूर्ति के लिए आगे बढ़ना और उन्हीं मिशन को लेकर के आज भी रिज मैदान शिमला में रेड क्रॉस मेले का आयोजक मंडल ने किया है। मैं रेड क्रॉस से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बधाई देता हूं और इसी आशा के साथ कि रेड क्रॉस अपने मिशन की ओर बढ़ता रहे और मानवता के कल्याण के लिए अहर्निश कार्य करता रहे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। यदि आप शुभ नवरात्रों और शादियों के इस सीजन में खरीदारी की सोच रहे हैं तो अवश्य आए भूषण ज्वेलर। इन खास त्योहारों को खास बनाने के लिए सोलन के भूषण ज्वेलर आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। खरीदारी के समय यहाँ न आपको केवल अपनेपन का एहसास होगा बल्कि कुछ न कुछ गिफ्ट भी अवश्य मिलेगा। भूषण ज्वेलर सोलन के MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को एक ईऑन कार, 5 स्कूटी व 1.5 इनाम दिए गए हैं। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की। अपनी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर सोलन।